पूरे देश में कोरोना जैसी घातक संक्रमित बीमारी लोगों में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी रोकथाम के लिए सोशल मीडिया, अखबार एवं टीवी चैनलों पर तरह तरह के स्लोगन और ज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसके बाद भी यह बीमारी जो थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7 हो गई है। आपको बता दें कि 3 जमाती पॉजिटिव आने के बाद मैनपुरी में हड़कंप मच गया था। उसके बाद पारस हॉस्पिटल आगरा में उपचार करा रहे लोगों में लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते 4 मरीज और पॉजिटिव पाए जाने पर मैनपुरी जनपद में 7 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके चलते जैनपुर मैनपुरी 72 घंटे के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। किसी व्यक्ति को भी घर से बाहर निकलने की कड़ी हिदायत दी गई थी और बाहर से आने वाले सब्जी, दूध व अन्य खाद्य सामग्री की सुविधा भी बंद करा दी गई है, जिसको लेकर लोगों को कड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन मजबूरी में घर पर ही रहकर कोरोना वायरस तक बीमारी से लड़ रहे हैं। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के किशनी विधायक बृजेश कठेरिया मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि देश पर आज यह बहुत बड़ा संकट है, इसमें हम लोगों को एकजुट होकर इस संकट से लड़ना चाहिए, शासन प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों का बहुत ही सराहनीय कार्य है जो प्रशंसा के योग्य है। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने जो जिम्मेदारी प्रधानों और राशन डीलरों पर डाल दी है, उसमें लापरवाही करते हुए गोलमाल कर रहे हैं, जिसके चलते कोई ऐसा नोडल अधिकारी नियुक्त करे जिससे गरीब तबके के लोगों को राशन पूर्ण मिल सके। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन एरिया में गरीब और असहाय व्यक्ति अपना निवास कर जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जिला प्रशासन को मदद करनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि यह कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी से लड़ने के लिए विधायकों व सांसदों ने जो धन अपनी निधि से दिया है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। उन्होंने सीएमओ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह गोलमाल करना चाहते थे, इस मामले से जिला अधिकारी को अवगत करा दिया गया था। उन्होंने साफ साफ खुले शब्दों में कहा कि डीएम साहब पर तो उन्हें भरोसा है, लेकिन नीचे अधिकारियों पर नहीं, जिसके चलते मैनपुरी सीएमओ को कोरोना पॉजिटिव की देखरेख करने से उन्हें हटा दिया गया है। अब वहां टीम गठित कर दी गई है जो अब उनकी देखरेख में काम कर रहे हैं और उनकी दी गई राशि पर नजर है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। विधायक जी, अभी कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, मैनपुरी भी जो है 72 घंटे के लिए लॉकडाउन कर दिया है, इसको किस तरह, किस नज़रिया से देख रहे हैं और किस तरह से सुविधा मुहैया हो रही है लोगों को? देखिए, ये संकट जो है वो पूरे दुनिया में बहुत बड़ा संकट है और इसके लिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम जो लॉकडाउन हुआ है, जो सरकार ने गाइडलाइन दी हैं, कम से कम उनका निर्वाह करते हुए हम दूरी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपने घरों में रहें और इस बीमारी न फैले, इसके लिए हमसे जो संभव हो कम से कम हो उसमें हम प्रशासन का सहयोग करें और कम से कम इस बीमारी से निजात। अभी जो है ना लॉकडाउन किया गया है, यानी कि 3 किलोमीटर की एरिया है, यानी इसमें पूरा मैनपुरी आ जाता है, पूरा शहर। इसमें जो है ना प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने किस तरह की सुविधा की है, कोई जानकारी है आपको? देखिए, हमारे यहाँ डीएम साहब, कप्तान साहब, दोनों लोग का काम प्रशंसनीय है। मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि जहाँ उन्होंने एक तरफ सख्ती के साथ लॉकडाउन का अनुपालन करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ पूरे जनपद से आज तक कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई कि किसी आम व्यक्ति के साथ कोई अशिष्टता या अभद्र व्यवहार हुआ हो। लेकिन मैं इतनी ज़रूर आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने और सरकार ने पूरी जिम्मेदारी प्रधानों और राशन डीलरों के ऊपर डाल दी है, लेकिन राशन डीलर बहुत सख्ती के बावजूद भी उनकी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से चाहूँगा कि कम से कम जहाँ शिकायतें आ रही हैं वहाँ के लिए हर कोटा डीलर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें या और कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि गरीब तक वो मदद पहुँच जाए और कम से कम इस बुरे समय में कम से कम बुरी नीयत से उन गरीब लोगों का कोई हक न छीन सके। देखने में ये भी मिला है कि नोडल अधिकारी के पहुंचने के बाद भी नोडल अधिकारी और राशन डीलर दोनों गोलमाल करते हैं और जनता को कम राशन दिया जाता, क्या कहेंगे? नहीं, तो यही प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कम से कम नोडल अधिकारी इस तरह के नियुक्त हों जो कम से कम वहां पर अच्छे के लिए जाएं बल्कि गलत को बढ़ावा न दें। आज जो है ना मैनपुरी जनपद में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों पॉजिटिव जो आए हैं 7 व्यक्ति हो चुके हैं। इसमें जो है ना लॉकडाउन जो किया है उस एरिया में ना तो दूध पहुंच पा रहा है, ना सब्जी पहुंच पा रही है,
लोगों का कहना ये है कि जो है कि यहाँ पे बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं, उसको किस तरह से देखेंगे और किस तरह से मदद करनी चाहिए प्रशासन को? बहुत ज़्यादा जहाँ सख्ती की गई है और जहाँ पर ये हमारे पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं, जो पॉजिटिव लोग, तो कम से कम मैं आपके माध्यम से प्रशासन चाहूँगा कि वहाँ बहुत गरीब और जो नीचे तबके के जो बेचारे लोग हैं उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस महामारी में भी एक जो जहर बोया गया है, कम से कम उस जहर के कारण तमाम ऐसी सारी शिकायतें भी कई जगह से आ रही हैं कि कहीं किसी का दूध सप्लाई बंद हो गया, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मैं कम से कम आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे और वो तमाम ज़रूरतमंद लोग जिन्हें आज ज़रूरत है दूध की, जिन्हें ज़रूरत है भोजन की, जिन्हें ज़रूरत है शाम को खा करके सोने की, कम से कम उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। हम आप सब लोगों के लिए भी प्रशासन जहाँ जिस रूप में जैसे सहयोग चाहेगा, हम लोग सहयोग करके निश्चित रूप से आम जनता के इस हक के लिए हम लोग निरंतर जारी संघर्षरत रहे थे और हमें सहयोग की नीयत से हमेशा उनकी मदद के लिए हम लोग तैयार रहे। अगर बात की जाए कि जनपद मैनपुरी समाजवादी गढ़ है, यहाँ पर जो है ना समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और विधायक लोगों ने और सांसद जी ने कितनी धन स्वीकृत कर जो है ना शासन को दिया है? वो तो आपको सारे लोगों को मालूम है, माननीय हमारे नेता जी ने, उन्होंने भी 25 लाख दिया है, माननीय सदर विधायक जी ने भी दिया है, माननीय करैल विधायक जी ने भी दिया है, माननीय MLC साहब ने भी दिया है, मैंने भी अपनी तरफ से दिया और भी जनप्रतिनिधियों ने दिया है जी। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी चाहता हूँ और इस संबंध में मेरी DM साहब से और CMO साहब से बात भी हुई है कि कम से कम जो पैसा दिया गया है इस पैसे का सही सदुपयोग हो, इस संकट के समय कम से कम उस पैसे की लूट न हो, इसके लिए मैंने कहा। और मैंने DM साहब से कहा, इसके लिए CMO साहब से कम इस पैसे के हम लोगों की जो दिए हुए पैसा है इससे कम से कम 25 वेंटिलेटर लेकर के और जिला चिकित्सालय में लगा दिए जाए या और बड़ी मशीनों के काम में ली जाए ताकि वो पैसा आज के बाद आगे भी हम लोगों के काम में आता रहे। CMO साहब का जवाब था कि 2 लाख से ज़्यादा मेरी परचेजिंग पावर नहीं है जी। हमने कहा अच्छी बात है, नहीं है वो तो हर किसी को होती, लेकिन हमने कहा आप इतना कर सकते हो कि कुछ जो सरकार के द्वारा दी हुई रजिस्टर्ड जो सब कंपनियां हैं उनके द्वारा आप डिमांड लेटर CDO साहब के द्वारा भिजवाइएगा और उनसे लेकर के CDO साहब के द्वारा चेक कटवा करके उन्हें दीजिएगा, लेकिन बहानेबाजी और तमाम करके इस पैसे को लूटने की कतई कोशिश मत करिएगा। तो क्या लगता है ये लूटने का कार्य कर रहे थे CMO? देखिए मुझे DM साहब पे तो भरोसा है, लेकिन नीचे के अधिकारियों पर मुझे कतई भरोसा नहीं है और हमारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी जनप्रतिनिधियों की इस बात पर नज़र है और DM साहब से हम लोग निरंतर संपर्क में भी हैं कि पैसे का सही सदुपयोग हो, पैसे का किसी भी कीमत पर कहीं दुरुपयोग न हो, ये हम लोगों की इच्छा भी और इस पर नज़र। गरीब और असहाय व्यक्ति आज जो है ना ऐसे कई एक गरीब हैं जो भुखमरी की कगार पर हैं और देखे गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन? देखिए जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी हमारे गरीब लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से निरंतर मैंने राशन वितरण पहुँचाने का काम किया है। आज भी जो लॉकडाउन है इसका अनुपालन करते हुए, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए आज भी मैं क्षेत्र में निरंतर जा कर के और लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। जहाँ तक प्रशासन और सरकार की बात है तो सरकार के लिए तो मैं क्या कहूँ कि संकट की घड़ी में भी, अभी आपने एक लखनऊ से समाचार पढ़ा कि वो सप्लाई PPE गेहूँ वगैरह की हुई है जी, उसमें भी करप्शन की जो बू आ रही है। कम से कम इस बुरे समय पे ये राजनीति करने का समय नहीं है, बहुत समय है, बहुत सी मुद्दे हैं जिन पे हम राजनीति करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इस महामारी में कम से कम इस तरह की हो रही बातों को न होने दें और इस महामारी से बचाव के लिए करप्शन से को बचा करके वो गरीबों की मदद में काम आए, अन्यथा ये गरीबों की बद्दुआ। मैनपुरी में 3 जमातियों के साथ जो है ना 4 अतिरिक्त और कुल मिला के 7 की संख्या हो गई है, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मियों पे और स्वास्थ्यकर्मियों पे वो किट नहीं है, PPE किट मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे अभी तक क्या आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ। इस पूरी महामारी और इस संकट के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई बधाई का पात्र है तो हमारे समाज के या तो डॉक्टर और दूसरे नंबर पर
तमाम सारे हमारे पुलिसकर्मी जो मुझे सुरक्षित रखते हुए इस तपती हुई धूप में अपने आप को जला करके और मुझे बचाने का काम कर रही हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये तो बहुत सीमित संख्या है। कम से कम उनके विभाग ने भी बहुत सारा पैसा कलेक्ट करके डीजीपी साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, कम से कम तुम अपना पैसा नहीं खर्च कर सकते हो तो उसी पैसे को खर्च करके जो मेरे ये बच्चे जो बेचारे पुलिसकर्मी और तमाम अधिकारी पुलिस अधिकारी जो ये रोडों पे हमको बचाने के लिए जूझ रहे हैं, कम से कम इनके लिए मास्क और सारी जो व्यवस्थाएं प्रिकॉशंस होती हैं कम से कम वही उपलब्ध करा दो, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.